नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच बीसीओ सैनिक कैंटीन से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो आपको देने के लिए आया हूँ। कई लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं मेरे पास और वो पूछते हैं कि अभी क्या चल रहा है बीसीओ सैनिक कैंटीन में। तो अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही वहाँ कस्टमर केयर पर कॉल किया था, तो वो सेम रिस्पॉन्स जैसे पहले था, सेम रिस्पॉन्स है। मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया था क्योंकि मेरे नंबर ऑलरेडी उनके पास है। तो अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा अपना पैसा आप जहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा वेट करें। मतलब इसमें ये नहीं है कि मैं आपको बता दूँ कि हाँ सर सही हो गया, महीने 2 महीने का मैंने जब बोला था आपको 1-2 महीने बाद चेंजेस हो सकते हैं, ये मुझे उम्मीद थी पर नहीं हुआ है, तो आप ज़बरदस्ती उसमें पैसा इन्वेस्ट ना करें या मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करें कि सर हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, थोड़ा आप देख लेना। मैं कुछ भी नहीं देख सकता इसमें, आपका पैसा है। तो मैं आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट कर ले, जब तक वहाँ की कंडीशंस जो सप्लाई है और उनका जो रिस्पॉन्स है और रीपर्चेस का जो ऑर्डर हम करते हैं वो कितने टाइम में पहुंचता है, वो जब तक चेंज नहीं होता, जब तक सही तरीके से नहीं होता है, तब तक आपका इसमें पैसा इन्वेस्ट करना बिल्कुल गलत है। अभी कई लोगों के सवाल हैं सर बीसीओ सैनिक कैंटीन में ये हालात है और अर्ध सैनिक कैंटीन कैसा है या फिर एक और सैनिक कैंटीन है शायद, तो सैनिक कैंटीन कैसा है। तो अभी तो मैंने बीसीओ सैनिक कैंटीन के बारे में ज़्यादा सर्वे किया है, तो मैं बीसीओ सैनिक कैंटीन के बारे में आप लोगों को सिर्फ बता पाता हूँ। सैनिक कैंटीन और अर्ध सैनिक कैंटीन का इतना मुझे आइडिया नहीं है। जब मैंने सर्वे किया था आप लोगों को डिटेल में बताया था कि जो टर्म एंड कंडीशन है वो सबके अलग अलग हैं। अर्ध सैनिक कैंटीन में भी कुछ चार्जेस लिया जाता है, पहले कुछ अमाउंट सबमिट होता है, और सैनिक कैंटीन में भी शायद 3-4 हज़ार का रजिस्ट्रेशन है, और बट इनमें शायद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, और बीसीओ सैनिक कैंटीन में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगता, फ़र्क ये इतना ही है। बाकी प्रोडक्ट सेम है, डिलीवरी सेम है, टाइम इनका सेम है, सभी लोग एक ही जैसे एक ही तरीका इनका काम करने का। जो मैंने अनुभव किया, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं किसी भी फ्रेंचाइजी को गलत नहीं बता रहा हूँ, बीसीओ सैनिक कैंटीन को गलत नहीं बता रहा हूँ, सैनिक कैंटीन को गलत नहीं बता रहा हूँ या अर्ध सैनिक कैंटीन को, ये मेरा अपना व्यू है और अपना व्यू हम रख सकते हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं कई लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, कई लोगों के कॉल्स आते हैं, अभी भी सभी से बात होती है, देश के अलग अलग कोने से लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरी उनसे सभी से बात होती है, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। और बाकी रही इतने दिन से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं खुद अपने जो घर पे फंक्शंस थे वो अटेंड करने में बिजी था, तो मैं आप लोगों को अपडेट दे नहीं पाया, क्योंकि मैंने कई लोगों को सांत्वना दे रखी थी पहले कि आप 1-2 महीने वेट कीजिए, जैसे ही सुधार होता है इन कामों में तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट कोई भी सुधार, किसी भी प्रकार का सुधार अभी आज के दिन तक नहीं हुआ है। आज 6 मई है शायद, 6 मई तक अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है, सेम प्रोसेस सेम चीज़ें वही चल रही है। तो अभी देखो, अगर कोई बंदा अमाउंट किसी से ले चुका है या लगा चुका है तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट किसी को इन्वेस्ट करना है, किसी को बिजनेस करना है, तो अगर उसको जल्दी है तो वो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता है, कहीं और भी बिजनेस में यूज़ कर सकता है। अदरवाइज़ आपको ये फ्रेंचाइजी लेनी है बीसीओ सैनिक कैंटीन या अर्ध सैनिक कैंटीन की, तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि जब तक ऊपर तक कंप्लेंट्स नहीं जाएंगे, जब तक लोगों को लोग उनसे नहीं मिलेंगे, उनको अपनी खामियां नहीं बताएंगे, तब तक वो सुधार करेंगे नहीं, और जब तक सुधार नहीं होगा तो आपका पैसा इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। तो मेरा यही मानना, आप लोगों से एक अनुरोध है कि जो सच है उसका साथ देते रहो। बाकी किसी भी भाई को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या कुछ अपडेट्स चाहिए तो मुझे अभी फ़ोन कर सकते हैं। शायद मैं पिछले महीने या 1.5 महीने में कई लोगों की कॉल अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे घर पे खुद के फंक्शंस थे, तो मैं टाइम नहीं दे पाया और सोशल मीडिया पे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पैसा इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी फ्रेंचाइजी में या कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले
एक बार ज़रूर उस फ्रेंचाइजी के बारे में पूरा जानें, पूरा अपडेट लें। और सबसे अच्छा तरीका है कि जिन्होंने बीच और सैनिक कैंटीन खोल रखी है, सैनिक कैंटीन या अर्ध सैनिक कैंटीन खोल रखी है, उनसे उनका एक्सपीरियंस जानें। अगर वो एक्सपीरियंस आपको पॉजिटिव वे में देते हैं तो आप ज़रूर उसी फ्रेंचाइजी की तरफ जाएं। अगर वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो कृपया करके अपना जो मेहनत का जो पैसा है, जो आपके फादर या भाई ने या किसी ने भी फौज में रह के कमाया होगा, उसको आप वेस्ट न करें। यह आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया जाता है पैसा और यहाँ पर आप पैसा वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का कृपया ध्यान रखें। सभी लोग जिन्होंने कैंटीन खोल रखी है वो भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि जो हमारे नए भाई हैं जो जुड़ना चाहते हैं उनको सारी अपडेट्स मिल सकें और उनका पैसा डूबे ना। थैंक यू सो मच।